मस्त मस्त पैसा वसूल होते दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? पैसा वसूल है सर, कभी आईसी पे काम नहीं किया था। आपने कभी आईसी पे भी काम नहीं किया था? और डायरेक्ट था मैंने, लेकिन यहाँ हैंड स्किल पे ध्यान बहुत दिया जाता है और इससे धीरे धीरे इम्प्रूव हो के आज मेरा हिम्मत इतना आया कि मैं एक सीपीयू निकालूं और मतलब चालू फोन का डेड फोन का था लेकिन अब वो चालू का फोन चालू है, बैटरी ना होने के नाते डीबी चालू करा। तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। ये किसने किया, सर ने किया या आपने किया? मैंने किया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बात करिए एमएमसी चेंजिंग की मीडिया टेक की, क्योंकि अभी मीडिया टेक का ही चेंजिंग का क्लास हुआ है और साथ में सैमसंग का डायनोक्स सीपीयू का भी हुआ है, तो इसमें दोनों में से कोई सा भी सीपीयू आज अगर हम दे दें आपको तो चेंज कर पाएंगे आप? हाँ सर, कर पाएंगे। सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? क्या नाम है आपका? जी सर मुकेश नाम है सर। मुकेश जी कहाँ से हैं आप? सर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं, तो चलिए आज बताइए, आज छठवें दिन की क्लास में मीडिया टेक की एमएमसी चेंजिंग की क्लास थी जी सर, तो जो भी थ्योरी हुआ जी सर वो सारी चीजें आपके कॉपी में नोट्स हैं कि नहीं है? नोट्स है सर। और आपके दिमाग की बात करें तो आपके दिमाग में भी है सर, और आज प्रैक्टिकल मैंने किया, मेरे एक शिक्षक का फोन है जो उसमें एमएमसी का प्रॉब्लम था जिसके कारण वो डेड हो गया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, आज समझ में आया तो खोले और फिर उसका जो भी प्रोसेस किया तो चालू हो गया। अब आप ईएमएमसी देख के डायग्नोस देख के कर पाएंगे कि इसमें ईएमएमसी का काम करना है कि किसका काम करना है? जी सर, कौन सी ईएमएमसी है, क्या है उसका और किस टाइप का वो काम करता है ये समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ समझ में आई। जो आपने लाइव फोन किया अपने हाथ से किया या फिर सर ने करके दिया? नहीं सर, मैंने अपने हाथ से किया है, प्रोग्रामिंग भी और रिपेयरिंग हुए हैं, रिपेयर हुए हैं जो सारे फोन। तो ये स्टूडेंट कर रहे हैं या फिर टीचर करके दे रहे हैं? सारे स्टूडेंट ही कर रहे हैं सर। सर का जो भी कहीं फंसते हैं तो गाइडलाइंस उसका लेते हैं, वही करते खुद। चलिए ठीक है। और इस फोन को जरा चालू करके दिखाई, बैटरी चार्ज है इसकी? बैटरी इसकी चार्ज नहीं है सर, एक्चुअल में डिस्प्ले खराब है, बाकी इसमें रीडिंग में आप कर सकते हैं। हाँ। तो अब बताइए कि कैसा लग रहा है अभी आप 6 दिन के क्लास में, आप एमएमसी भी चेंज करने लगे हैं और पहले दिन से आप आईसी पे भी काम कर रहे हैं? नहीं सर, यहाँ क्या है, हैंड स्किल पे बहुत ध्यान दिया जाता है, इसलिए अब आईसी तो मैंने पहले काफ़ी काम किया नहीं था मैंने, लेकिन यहाँ हैंड स्किल पे ध्यान बहुत दिया जाता है और इससे धीरे धीरे इम्प्रूव हो के आज मेरा हिम्मत इतना आया कि मैं एक सीपीयू निकालूं और मतलब चालू फोन का डेड फोन का था लेकिन अब वो चालू हो गया तो अब चालू फोन का भी निकालने की हिम्मत आ गया है सर। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। क्या बोलना चाहेंगे एशियन टेलीकॉम के लिए? एशियन टेलीकॉम इज बेस्ट और इंडिया में नंबर वन है, एशियन टेलीकॉम है और पूरा पैसा वसूल है, जिसको भी आना है एकदम भरोसे के साथ आए और यहाँ भरोसे के साथ आए और उनको उम्मीद से ज़्यादा ही मिलेगा यहाँ। मेहनत करना पड़ेगा नहीं है? मेहनत बहुत करना पड़ेगा, अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा, हर टाइम ध्यान देंगे और अपना दिमाग यहाँ है तो यही रखना पड़ेगा, बाहर घुमाएंगे तो फिर काम नहीं होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम है। प्रीतम जी कहाँ से हैं आप? मैं असम से हूँ। असम से हैं, तो आप असम से बहुत दूर आए, जबलपुर का नाम आपने पहले कभी सुना था? नहीं सुना था। तो कैसे पता चला कि जबलपुर में एशियन टेलीकॉम? ये जो यूट्यूबर इससे फेसबुक से जो लाइव आते हैं उससे पता चला कि जबलपुर में एशियन टेलीकॉम बोलते हैं। तो अभी जो आज छठवें दिन के क्लास में मीडिया टेक की चेंजिंग की क्लास थी, कल क्वालकॉम की चेंजिंग की क्लास है, तो इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है कि मीडिया टेक में? इतना मतलब सरल करके बताते हैं कि कोई डाउट रहता ही नहीं है कोई। तो आपका फोन चालू हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया सर। क्या दिक्कत है इसमें? ये सॉफ्टवेयर करते जब बंद हो गया था। सॉफ्टवेयर करने में बंद हो गया था? हाँ। तो अब कोई फोन आपको सॉफ्टवेयर करने में बंद हो जाए तो आप उसको रिपेयर कर पाएंगे? नहीं कर सकते। कर पाएंगे 90% कंज्यूम की बात करें और बात करें एमएमसी चेंजिंग की मीडिया टेक की, क्योंकि अभी मीडिया टेक का ही चेंजिंग का क्लास हुआ है और साथ में आज सैमसंग का डायनोक्स सीपीयू का भी हुआ है, तो इसमें दोनों में से कोई सा भी सीपीयू आज अगर हम दे दें आपको तो चेंज कर पाएंगे आप? हाँ सर, कर पाएंगे। कैसा रहा क्लास आपका पहले दिन से लेकर अभी तक की बात? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कॉपी में नोट्स कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हाँ सर कर रहे हैं। और कल को मान लीजिए अगर वो नोट्स गुम जाए, आपके दिमाग से स्किप हो जाए, तो आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है? रिकॉर्डिंग करते हैं ना सर। रिकॉर्डिंग भी है और एक्स्ट्रा क्या है? ऑर्डिनरी बैकअप मिलता है यार? बैकअप क्लास है कि नहीं है? हाँ सर। आपके सामने बच्चे बैकअप के लिए आए थे नहीं आए थे? हाँ सर आए थे।
चलिए ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, क्या बोलना चाहेंगे इस इंटरव्यू कॉम के लिए? पैसा वसूल, पैसा वसूल बोलेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चालू कर सकते हैं क्या फोन को? अरे बीएसएल लगेगा। अच्छा आपकी बैटरी नहीं है? बैटरी नहीं, इससे चालू करके दिखाइए डीसी से। जैसा कि देख सकते हैं इनका फ़ोन चालू है, बैटरी ना होने के नाते उन्होंने दी भी चालू करा। तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। ये किसने किया, सर ने किया या आपने किया? मैंने किया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। डाउट नहीं रहता है। अब मैं बात करूँ कि ये दो नॉन पेस्टेड है, एम आई का 6 है, तो इसका EMMC CPU कोई सा भी IC सारे नॉन पेस्टेड है। अब मैं बात करूँ पेस्टेड का, अगर मैं कोई भी फोन आपको पेस्टेड दे दूँ तो निकाल पाएंगे आप? आराम से निकाल पाएंगे। हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे पेस्टिंग, कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा है, बहुत जो अच्छा सोच के आप एशियन टेलीकॉम ज्वाइन किए थे वो चीज़ आपको मिला कि नहीं मिला? सर मिला, मिला। पैसा वसूल हुआ? पैसा वसूल सर हो गया। इसको जरा चालू कर सकते हैं क्या? ये थोड़ा बैटरी डाउन है अभी, नहीं तो मैं दूसरा डिस्प्ले लगा के बैटरी लगा के चेक करवा सकता हूँ अगर। तो आपका फ़ोन चालू हुआ? हाँ चालू हो गया, मैंने खुद देखा, दूसरा डिस्प्ले लगा के चालू किया। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी कहाँ से आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। तो एक बात बताइए, आप हार्डवेयर का काम पहले से ही करते थे? हार्डवेयर का काम। आपने EMMC का कोर्स ज्वाइन किया है? हाँ। तो EMMC के काम आपने जो ज्वाइन किया है, एक बात बताइए, तीसरे दिन की क्लास है, जो आपको थ्योरी मिल रही है वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा सब समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए कि साथ के साथ आपको ब्लैक पेस्टेड पर भी आपसे काम करवाया जाता है कि आप, क्योंकि अभी जो फ़ोन्स आ रहे हैं ज़्यादातर फ़ोन पेस्टेड ही आ रहे हैं, वाइट पेस्टेड हो या ब्लैक पेस्टेड हो, और अभी तो ज़्यादातर फ़ोन डुअल डेकर में भी आने लगे हैं, सैमसंग का भी हो गया, वन प्लस का भी हो गया, ज़्यादातर फ़ोन डुअल डेकर ही है। तो डुअल डेकर हमने बताया कि नहीं आपको देंगे? डुअल डेकर बाकी है, तो हमने बोला कि नहीं डुअल डेकर भी आपको एडवांटेज में मिलेगा, EMMC का अगर कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डुअल डेकर भी साथ के साथ फ्री मिलेगा। तो एक बात बताइए कि आपने ये ब्लैक पेस्टेड पर जो काम किया है, इसमें कोई सा प्रिंट गया है क्या आपका? नहीं सर, प्रिंट नहीं गया। अगर आपसे इसका कोई लाइन निकल जाए और वो काम की लाइन हो तो आप उसको माइक्रो जंपरिंग के थ्रू रिपेयर कर पाएंगे? कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कैसा लगा आपको 3 दिन का क्लास EMMC का? सर मस्त मस्त। पैसा वसूल होते दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? पैसा वसूल है सर, कभी IC पे काम नहीं किया। आपने कभी IC पे भी काम नहीं किया था? डायरेक्ट जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा।